सबसे पहले मैं जेएनके टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए। देखिए, यहाँ आने का आज का जो पर्पज़ था, जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म हैं उन्होंने मुझे इसमें हिदायत दी थी कि क्योंकि वो श्रीनगर उन्हें जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि उनके बिहाफ में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूँ। एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है और पिलग्रिम टूरिज्म जो है यहाँ का वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो 2022 का जो साल रहा है वो जेएनके टूरिज्म के लिए और पूरी जेएनके यूटी के लिए बहुत बढ़िया रहा है कि जितना टूरिस्ट इस बार यहाँ आया है इतना आज तक कभी नहीं। 1.8 करोड़ जो टूरिस्ट फिगर्स यहाँ की रही हैं वो आज तक कभी भी नहीं रही, और इसको सब जगह से रहा गया है। इवन आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसकी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब जगह पे इसकी बात की। तो उसी लक्ष्य में जेएनके यूटी की जो यूटी गवर्नमेंट की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व है और उनको एक कोशिश की जा रही है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमारे जो दोनों रीजन्स हैं, चाहे जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपना अपना पोटेंशियल है, और उस पूरे पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए नई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो थी कि जो नवरात्रा फेस्टिवल अभी आने वाला है, नामनी जैसे होता है कि जो नवरात्रा हमारे सितंबर मंथ में आते हैं जिनको हम शरद नवरात्रा बोलते हैं, तो उन नवरात्रा पे बड़ा बढ़ चढ़ के ग्रैंड सेलिब्रेशन होती हैं। लेकिन इस बार एक ये फैसला लिया गया क्योंकि देखिए 2022 जो साल ये 2023 का ये जो अभी साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल में इंडिया के पास, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और ये G20 की प्रेसिडेंसी होने का इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पिलग्रिम जो हमारी एडवांटेजेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को एक शोकेस करें, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो इसलिए इस बार एक फैसला लिया गया कि ये जो चैत्र नवरात्रा हैं इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि G20 के इस ईयर में हम पूरी तरह से अपना जो हमारा जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो लेजर टूरिज्म में है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म में है, या वो पिलग्रिम टूरिज्म में है, उसको हम प्रॉपरली शोकेस करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जितने भी जो पावरफुल नेशंस हैं, जो G20 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जो पावरफुल नेशंस जो G20